प्रायः हम देखते हैं कि प्रकृति में समस्त जीव किसी न किसी रूप से वनस्पतियों या अन्य जीवधारियों पर भोजन के लिए या फिर जीवन संचालन के लिए निर्भर रहते हैं, जिसका एक सार्थक उदाहरण फसलों को हानि पहुंचाने वाले कीटों एवं मित्र कीटों से ले सकते हैं। विभिन्न फसलों का हानिकारक कीट एफिड, जिसे माहू या चैंपा भी कहते हैं, इसकी विभिन्न प्रजातियां तिलहनी, दलहनी तथा शाक वर्गीय फसलों को भारी हानि पहुंचाती हैं। हानिकारक कीटों के प्राकृतिक शत्रु, जिन्हें मित्र कीट भी कहा जाता है, आईपीएम पद्धति से कीट रोग नियंत्रण में एक प्रमुख स्थान रखते हैं तथा जो प्राकृतिक तरीके से एफिड को नियंत्रित करने में सक्षम होते हैं। एफिड कीट के प्रमुख प्राकृतिक शत्रुओं में से एक लेडी बर्ड बीटल एवं इसके ग्रब आते हैं। इन दोनों में एफिड की विभिन्न अवस्थाओं को खाने की प्रवृत्ति होती है, जिसके कारण यह फसल में उपस्थित एफिड की सभी अवस्थाओं को खाकर समाप्त कर देते हैं तथा इसकी संख्या को आर्थिक हानि स्तर से नीचे बनाए रखते हैं। इसी प्रकार प्रकृति में उपस्थित अन्य मित्र कीट जैसे क्राइसोपरला तथा सिरफिड मक्खी के लार्वा भी एफिड एवं लाल मकड़ी जैसे नाशी जीवों को अपने भोजन के रूप में प्रयुक्त कर लेते हैं तथा इन नाशी जीवों के जैविक नियंत्रण में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। इसके अतिरिक्त एफिड का एक और प्राकृतिक शत्रु परजीवी की डायड्रेला रहती है, जो एफिड के निम्फ एवं वृष के शरीर में अपने अंडे प्रत्यारोपित कर देता है, जिसके परिणामस्वरूप परजीवी कीट का लार्वा एफिड के आंतरिक द्रव पदार्थ को भोजन के रूप में प्रयुक्त कर लेता है, जिसके कारण एफिड की मृत्यु हो जाती है और एफिड का मृत शरीर मखमैले रंग का दिखने लगता है। अंततः एफिड के शरीर से परजीवी कीट का व्यय निकल आता है। यही क्रम प्रकृति में निरंतर चलता रहता है, फलस्वरूप प्रकृति में मित्र कीटों की संख्या भी बढ़ जाती है, जो कि हानिकारक कीटों की संख्या को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण योगदान देती है।